TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या बोले अमित शाह, हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, कहा अमित शाह ने। कट्टरपंथ पर सख्त पाबंदी लगाना बेहद जरूरी, अमित शाह ने कहा। सभी राज्यों को कट्टरपंथ पर फैसला लेना है, अमित शाह ने कहा। कट्टरपंथ को पहले ही दबाया जाना चाहिए था, अमित शाह ने इस बात पर भी जोर दिया। गृह मंत्री जी से सीधे बात करते हैं। गृह मंत्री जी, जो भीड़ है, आप तो हर दिन चार चार पांच पांच रैलियां कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? गुजरात की राजनीति में किस तरफ जा रही है, क्या इस बार रिकॉर्ड बनेगा? इस बार हम प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के और मत प्राप्त करने के सारे रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। ये आपने एक बात कही कि रेडिकलाइजेशन के लिए जो प्रावधान किया गया है अपने मत घोषणा पत्र में, वो बहुत जरूरी था। आपको लगता है कि ऐसी जरूरत पूरे देश में भी आ गई है? देखिए, सभी राज्य सरकारों ने निर्णय करना है, परंतु मैं मानता हूं कि रेडिकलाइजेशन कौमी दंगे और टेररिज्म दोनों के पहले का स्टेज है। अगर ये दूषण को उसी समय सख्त हाथों से दबा दिया जाता है तो आगे की नौबत नहीं। गुजरात में जो महिलाएं हैं, कल मैं गया था दो तीन सभाओं में, महिलाओं का एक विशेष लगाव है। जैसे प्रधानमंत्री का नाम सुनती हैं, बीजेपी का नाम सुनती हैं, आगे प्रचंड हाथ उठाकर बोलती हैं। आपको लगता है महिला फैक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर? नहीं, महिला, युवा, किसान, आदिवासी, दलित और सारे लोग मोदी जी के नाम से बहुत प्रसन्न भी होते, गर्व भी महसूस करते। गृह मंत्री जी, एक और आखिरी प्रश्न है कि जिस तरह से NIA ने संभाला है काम, एम्स में जिस तरह से लीक हुआ, उसमें NIA ने हाथ लिया है काम, आपको लगता है कि इसमें जल्दी सफलता मिलेगी? क्या एम्स में जो डेटा लीक हुआ है, NIA ने उसको अपने हाथ में ले लिया है, उसमें सफलता जल्दी मिलेगी? देखिए, सारी सेंट्रल एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं और हम इसका ट्रेस ढूंढ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि जिस तरह से सारी सेंट्रल एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, जल्द से ही जल्द एम्स वाले मसले में पूरा केस को हल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अशोक के साथ आमुद्रा है, TV9 भारतवर्ष, अहमदाबाद।